वो बांसुरी वाला जादूगर जरूर कोई बहरूपिया होगा। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं वहाँ फिर से जरूर जाती। कोशिश करने के बाद मैं फिर से फेल हो गई। लाला भालू चाचा नहीं नहीं नहीं, मैं उड़ना चाहती हूँ। पता था ये क्यों वही होगी। बनो, मुट्ठी बांधो, पूरी ताकत लगाओ। ऐसे तो मैं शार्क को भी मार गिरा दूं। भी आगे बढ़ो। सर, ये तो योगो की आवाज है। ये नहीं हो सकता, वो घर पे होमवर्क कर रही। ये क्या? हाय, कैसे हैं आप लोग? बेवकूफ लड़की, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन मैं फिर से उड़ना चाहती हूँ। तुमने देखा, मैं उड़ रही थी। युगो, अभी घर जाओ। अभी क्या अभी? मैं सच में उड़ रही थी, आपने देखा ना पापा। घर जाओ। आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, लेकिन मुझे उड़कर लाला और भालू चाचा के पास जाना है।
यूगो, तुम दिन में सपने देखने के अलावा और कुछ करती भी हो कि नहीं? यूगो, आप बहुत बुरे हैं। दादी माँ के नुस्खे वाली मजेदार मच्छी तैयार है। हे, खाना तैयार है? यूगो, भूख नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। चाचा, कहाँ है मेरे फल? कहाँ है? स्वागत है। ये क्या? मेरी जादुई बांसुरी। अभी तक वापस क्यों नहीं आई? चिंता मत करो, हो सकता है कि वो रास्ते में हो लाला। तुम अगर अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ तो हो सकता है वो आ जाए। इतनी जल्दी सो भी गए? तुम बस दो दिन में चीफ बन जाओगे और चीफ मेरे घर में नहीं रह सकता। अगर महल का बिस्तर अच्छा नहीं हुआ तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं? सो जाना चाहिए मुझे। मेरे शहरवासियों, नींद पूरी हुई? मुझे
उछालना बंद करो। आज की सुबह भी क्या शानदार है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस 3 राउंड में ही इस खतरनाक जनरल को हमने हरा दिया और वो हमारा जाबाज सिपाही कितनी बहादुरी से उनसे लड़ा। वो जाबाज सिपाही और कोई नहीं, वो है हम सबका नया चीफ। ये तो कमाल है। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम वापस आ गई भालू चाचा। यू गो लाला। ये कितने दिन बाद हम फिर से मिले। भालू चाचा। तुम दोनों फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे गुड्डी नहीं, गुड्डी। अच्छा तो लाला ये बता, क्या तुम चीफ बन गए? नहीं, लेकिन तो मैं शो देख पाऊंगी। फल और शहद मिल जाए तो मजा आ जाए। भालू चाचा क्या कहा आपने? मैंने कहा समारोह का आयोजन मास्टर फॉक्स कर रहे हैं ना। भालू चाचा मैं मैं चीफ नहीं बनना चाहता। लेकिन क्यों? ना मैं कोई सिपाही हूँ और ना मेरे पास कोई जादुई शक्ति है। मैं खुद को तो बचा ही नहीं सकता, लोगों को क्या बचा पाऊंगा। वो तो है। अगर तुम्हें चीफ नहीं बनना है तो तुम मास्टर फॉक्स से बात कर सकते हो।
लेकिन वो मेरी बात नहीं मानेंगे। तो फिर तुम ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई भी ना ढूंढ सके। लेकिन ऐसी जगह तो कहीं है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? सोचने दो मुझे। पता है लाला, लाल जंगल में झील के पास वो जगह याद है? वो लगभग खाली ही थी और अब तो वहाँ पानी भी नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं रहता और पेड़ में वो जो बड़ी सी जगह है, हम उसके अंदर रह सकते हैं। पेड़ के अंदर? वहाँ तो मजा आ जाएगा। चलो यहाँ से, वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे भाग गए तो मास्टर फॉक्स, वो खुद नए चीफ बन जाएंगे। ऐसा तो भी ठीक है। हाँ चलो अपने नए घर में चलते हैं, वहाँ हम हमेशा साथ रह सकते हैं। हमेशा के लिए? मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम घर नहीं गई तो तुम्हारे पापा परेशान होंगे। मेरे पापा? मुझे वो पसंद नहीं है। युगो, अगर तुम घर नहीं गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कहते हैं अच्छे से रहो, दिन में सपने मत देखो। ये क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चाचा ये क्या है? स्थानीय लोग। स्थानीय लोग? जब हमारे पूर्वज यहाँ आए थे तो ये लोग यहाँ पे पहले से ही थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये लोग पानी के अंदर रहते थे। ये इस जगह की सबसे पुरानी प्रजाति है। लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो मेरे मॉन्स्टर्स, हेलो दोस्तों। उन लोगों को तंग मत करो, ये नियम हमारे पूर्वजों ने बनाया था। खतरा। अब हम चाह के भी यहाँ नहीं रह सकते। बच्चों मेरे पीछे आओ, ध्यान से। हाँ मम्मी। रुको रुको, मेरे लिए रुको। भागो जल्दी। रुको। चाचा, जल्दी। मेरे प्यारे मॉन्स्टर, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। पीछा मत करो। मैं पहला भालू हूँ जिसकी ऐसी हालत हुई होगी। भालू चाचा आप भी आ जाइए। मैं इसे चला सकती हूँ। जोर से पकड़े रहना, मैं इस पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ। तुम अपना गुस्सा शांत कर लो प्यारे मॉन्स्टर। आज का दिन बड़ा ही अजीब रहा। युगो आगे एक नदी है। क्या हुआ मेरे दोस्त? बालू चाचा ये तो गायब हो गए। मुझे लगता है वो पानी के अंदर छिप गए हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। ये कितने छोटे हो गए हैं। जानवर भी सिकुड़ जाते हैं। कहीं उन पर पैर ना पड़े। भालू चाचा, लाला वो देखो। तो ये तुम थे। छोड़ दो उन्हें, समझे? क्या आज के दिन कोई भी साधारण बात नहीं हो सकती? युगो, लाला तुम दोनों ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बदबूदार चूहे, हमें जाने दो। किसकी इतनी हिम्मत हुई? मुझे बदबूदार चूहा कहलाना पसंद नहीं। मेरा नाम है आलू सिंह। ये लोग कौन है? वो फ्राइज वाला, मुझे फ्राइज बहुत पसंद है। मैं शकरकंद? शकरकंद? मैं शकरकंद भी नहीं। उसे तोड़ दो, मुझे चूहे पसंद नहीं। मुझे भी तुम कुछ खास पसंद नहीं। मेरा नाम है आलू सिंह, शकरकंद नहीं। हाँ ठीक है, याद रहेगा। तुम समझे? हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है आलू। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही सनकी लगता है। मैं हूँ कमाल, मेरी बातें बेमिसाल है, मेरी शैतानी मशहूर पूरी दुनिया में। देखो मैं कितना ऊंचा हूँ, तुम कितने छोटे हो, कुछ भी कर लो तुम जैसे नहीं बन पाओगे। मैं हूँ कमाल, मेरी बातें बेमिसाल है, मेरी शैतानी मशहूर पूरी दुनिया में। देखो मैं कितना ऊंचा हूँ, तुम कितने छोटे हो, कैसे तुम मुझ तक पहुँचोगे। आलू मैं आलू, आलू सिंह मेरा नाम है, मेरे संग चलो और नाचो गो। आलू मैं आलू, खड़ूस हूँ मैं आलू, ये दुनिया है मेरी और मैं हूँ यहाँ का राजा। मैं इतना कूल, मुझसे होती नहीं भूल, मेरा शासन है पूरे जंगल में फैला हुआ। को देखो, देखो तुम कितने पिद्दी हो, देखो मुझे, मैं कमीनों का बाप हूँ। देखो मुझ जैसा ना कोई कूल, चटा दे दुश्मन को जो धूल। नाचो गाओ तुम, तोड़ो दुनिया के सारे रूल, धर्म को छोड़ो मेरे जैसे बन जाओ कूल। डांस मेरे पीछे एक एक करके पूरे कर लो अपने स्टेप, सब लोग नाचो मेरे संग। हुआ नहीं है अभी ये खत्म, हिलाओ हाथ आंखों को खोलो, देखो हम मुझमें है दम, इतना के सबकी पोस्ट आ जाएगी बम। मस्ती करनी है तो आओ मेरे संग। मैं हूँ कमाल, मेरी बात बेमिसाल है, मेरी शैतानी मशहूर पूरी दुनिया में। देखो मैं कितना ऊंचा हूँ, तुम कितने छोटे हो, कुछ भी कर लो तुम जैसे नहीं बन पाओगे। मैं हूँ कमाल, मेरी बात बेमिसाल है, मेरी शैतानी मशहूर पूरी दुनिया में। और अब की बार होगी आलू की सरकार में, अब होगा पूरी दुनिया में।
इतने कूल, बाकी सारे फूल, इस पूरी दुनिया का मैं हूँ राजा। हैं, तुम लोग अभी तक यही हो? यही सवाल हम भी करना चाहते हैं। भुलक्कड़ हो तुम। प्लीज मिस्टर आलू सिंह, हमें जाने दो। क्यों नहीं? नहीं। मेरी गर्दन, उस बदबूदार चूहे की तो। हे लाला, हाँ ये बैठे बैठे सो गया। पेड़ वाला घर, ये हमारा नया घर है। नहीं, ये नई जेल है। मैंने एक सपना देखा, मैंने देखा हम उस लाल जंगल में हैं, वहाँ पर पेड़ वाले बहुत से घर थे। आपने बड़ा वाला लिया ताकि उसमें फल और शहद जमा कर सके। बड़े घर में तो मैं बहुत सा खाना जमा कर सकूँगा। मेरा बस चले तो उसकी छत में छेद कर दूं। बहुत अच्छा, फिर हम बारिश का पानी जमा कर सकते हैं। मैं वहाँ से तारे गिना करूंगी। और मैं गिनूंगा मधुमक्खियां। और फिर वो आराम की नींद। और मैं फलों का तकिया बना के सोऊंगा। अच्छा युगो, ये बताओ क्या तुम सच में वापस नहीं आओगे? और क्या, कभी भी नहीं। तुम नहीं समझोगे, तुम्हें संभालना आसान भी नहीं है। अगर उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे तो कभी कभी मिल लिया करूंगी। लाला और मेरे पास अभी कोई घर नहीं है और तुम अपने घर जाना नहीं चाहती हो। हाँ, घर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होती है। कौन है वहाँ? हे, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? मैं बातें नहीं सुन रहा था, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। हेलो मेरे दोस्त, क्या तुम सच में मूंगफली हो? इसने बस वैसा मास्क पहना है। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त? दोस्त हो तो चेहरा क्यों नहीं दिखाते? हाँ, हम जिसे देख नहीं सकते उस पे विश्वास कैसे करें? अच्छा उधर देखो। ये तो हमारे शहर के लोग हैं। लेकिन कैसे, और ये चूहा सबको छोटा क्यों बना रहा है? नहीं नहीं, चूहा नहीं बना रहा है, बल्कि पानी में जाते ही सब छोटे हो जाते हैं। पानी में? तुम मजाक कर रहे हो क्या? परियों की कहानी मत सुनाओ। ये सच कह रहा है, वो प्यारे मॉन्स्टर भी पानी में जाकर छोटे हो गए थे। युगो भालू चाचा, वो मूंगफली भाग गया। हमें यहाँ से निकलना होगा और मास्टर फॉक्स से मिलना ही होगा, उनके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। आज मैं अपने सबसे आदरणीय मेहमानों का स्वागत करूंगा। और अब इन जानवरों को अच्छे से धो डालो। जमीन के अंदर के स्वर्ग में आप सभी का स्वागत है। नहीं 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 नहीं, मुझे कहना चाहिए आप सभी बानों का स्वागत है। देखो कितने प्यारे लग रहे हो तुम सब छोटे छोटे बच्चे। अरे डरो मत, मेरा नाम है आलू सिंह। क्या है कि वो लोग मुझे जानते तक नहीं, उन्हें पता भी नहीं कि मैं इस दुनिया में हूँ। तुम लोगों को जमीन के अंदर के लोगों के बारे में कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब सब बदल जाएगा क्योंकि इस दुनिया के नए मालिक हैं हम लोग।
यूको खेल मत करो, ताला खोलो। जल्दी करो, मैं ऐसे ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी। यूको तुम्हें विश्वास है तुम ये कर पाओगी? चिंता मत करिए। यूको हमें कोई और प्लान बनाना चाहिए। ठीक है मैं सोचती हूँ, मैं बस निकलने वाली हूँ। मेरा सिर अटक गया है। लगता है अब यहाँ से मर के ही बाहर जाएंगे। दोस्तों अगर मैं चीफ बनने के लायक होता तो मैं सबको बचा लेता। मेरे पास एक आइडिया है। धमाकेदार आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? हे, तुम्हारी मदद चाहिए, चलो उठो। देख लेना, इस बार मेरा आइडिया जरूर काम करेगा। विल पावर। क्या आइडिया है? आंखें बंद करो और विश्वास रखो कि यहाँ से निकल सकते हो। विश्वास रखो, ताला खुल जाएगा। ताला ये तो सच में खुल गया। वाह, मैं हूँ मूंगफली। चलो जल्दी बाहर निकलो। भालू चाचा अब बहुत भारी है। बातें मत करो, वो लोग सुन लेंगे। उस रास्ते से वापस जमीन पर जा सकते हो। मुझे अब जाना होगा। मूंगफली भैया रुको। यूको कहाँ जा रही हो तुम? उसे जरूर पता होगा यहाँ क्या हो रहा है। लाला मुझे डाइटिंग शुरू कर ही देनी चाहिए। तो नहीं। तो ये तुम हो मेरे प्यारे मॉन्स्टर्स। जिनका रंग बदलता है उनका नाश्ता खाऊंगा। कितना मजा आएगा रंगीन नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता करने से पहले मुंह धो लेना। बदबूदार चूहे नोका छिपी बंद करो। रुको रुको रुको, ये दौड़ लगाना बंद करो। रुक जाओ आलू, वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगी। यूको लाला, अरे देखो क्या हालत हो गई। मदद तो नहीं चाहिए बच्चों? हमला! मुझसे डर गए ना? डर पो कहीं के बेवकूफ चूहे। बेवकूफ चूहे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ दो ने। बाल
भालू चाचा, हम आपको बचा लेंगे। नहीं, अब तो हम सभी मारे जाएंगे। देखो चूहो, मैं एक खास तोहफा लेकर आई हूँ। ये रहा तोहफा। अब देखो, भालू चाचा को छोड़ दो, नहीं तो इस बदबूदार चूहे की तुम्हें। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल सही किया। कच्चा का मतलब, इसका मतलब मैं इसे दो टुकड़ों में काट दूंगी। कैसा लगा? बदमाश! आगो! युको, वो प्यारे मॉन्स्टर की थी। चलो! दरवाजे बंद करो! पूरा बाहर जाने का रास्ता। युको, जाओ दरवाजा खोलो। तुम फिर से आ गए। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पीछे हटो। शुक्रिया मूंगफली। जाओ सब लोग, जल्दी जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मूंगफली भैया है, हमारी मदद की। मूंगफली भैया, हमारे साथ चलो जल्दी। चलो लाला जल्दी। वाओ, ये कितना सुंदर है। अब यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? ये क्या मूंगफली, तुम हमें यहाँ लेके क्यों आए? तुम सब मेरे पीछे आओ। नहीं, उसने कूद के गलती की, पर हम नहीं करेंगे। मूंगफली भैया, वाह, ये तो ऊपर चला गया। लाला चलो साथ चले। नहीं युको, मेरे प्यारे मॉन्स्टर्स, इनकी हड्डियां बहुत मजबूत है। अब जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से, यहाँ खतरा है। लगता है इन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आ रही। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये जगह सुरक्षित नहीं है। उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आएगी। रुको, मैं समझाता हूँ। युगो, भालू चाचा वो देखिए। ये तो मूंगफली भैया है। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे माफ कर दो। मेरा नाम मिली है। वो जो मिस्टर आलू है ना, वो मेरे पिता है। क्या तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मेरे पापा जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। इसकी चिकनी बातों पे भरोसा मत करना, ये हमें फंसा रहा है। असल में वो एक समय बहुत अच्छे पिता थे। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे, और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली बच्चा हूँ। देखिए उधर कितना कमाल है। ए, 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 ए।
लेकिन हमने जो देखा उससे हमें प्राचीन धरोहर की याद आ गई। नदियाँ बहुत पुरानी हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। उस पानी ने सभी जानवरों को छोटा बनाना शुरू कर दिया। जान का खतरा बढ़ गया। लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ से नदी शुरू होती है वहीं पर कुछ गड़बड़ है। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो शायद कुछ हो सकता है। मेरे पापा ने उस जगह का पता लगाना शुरू किया। उन्हें लगा कि वो सबको इस श्राप से मुक्त कर देंगे, लेकिन अचानक मेरे पापा की सोच बदल गई। पापा, पापा! और उस एक्सीडेंट में मुझे मेरी माँ छोड़कर चली गई और पापा भी। नफरत ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। वो दुर्घटना होने का इंतजार करने लगे। उन्होंने सोचा कि जब भी ऐसा होगा वो सारे बड़े जानवरों पर राज कर सकेंगे। मुझे लगा कि ये सब बातें सच नहीं होंगी, लेकिन आखिरकार ये सच हो ही। ये बीमारी तो पूरी नदी के पानी में है, मतलब हम यहाँ का पानी नहीं पी सकते। क्या नदी की शुरुआत उनके घर से होती है? पानी तो बस पानी है, उसका घर कैसे हो सकता है? वो तो बस अपनी दिशा में बहता रहता है। मिली, तुम्हें पता है नदी कहाँ से शुरू होती है? मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है कि ये लाल जंगल से शुरू होती है। ओहो, लाल जंगल! मतलब लाल जंगल? हाँ, चलो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हो? लाल जंगल में जाना है? भूल जाओ, हम वहाँ पहुँचने से पहले ही प्यास से मर जाएंगे। भालू चाचा, मैं जाऊँगा, युगो सही कह रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास जो पानी है वो कुछ दिनों के लिए काफी है। लेकिन अगर हम हार गए तो हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। हमें मास्टर फॉक्स के पास जाना चाहिए। आशा की किरण से उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, शेर हमेशा कहता था। शेर? अब ये कौन है? मेरे पापा। आशा की किरण है, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। चलो चलते हैं। चलते हैं। हाँ? ये तो बड़े जानवर की आवाज लगती है। अभी अभी तो आवाज सुनी हमने। ओ, 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 वो बहुत खुशी है, इसलिए युगो को खाना चाहते हैं। सारे बड़े जानवरों का रंग नीला हो। छोड़ दो मुझे, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अचानक इन्हें हमारी भाषा समझ में कैसे आने लगी? ये कहना क्या चाहते हैं? रुको, मैं बात करता हूँ। नहीं प्लीज, इन्हें फिर मत डराइए। ओ नहीं, चलो यहाँ से। ये आवाज कैसी है? बदबूदार चूहे। युगो, तुम इनके साथ यहाँ से जाओ, हम उस बड़े पेड़ के पास मिलेंगे। लाला, मिली, चलो यहाँ से। बदबूदार चूहो, अब चखाता हूँ मजा। युगो रुको, वो गलत दिशा में भाग रहे हैं। इन बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। चलो चलो देखते हैं वहाँ पर क्या है। ये तो वही है जो पानी के अंदर नहीं गया था। युगो ध्यान से। ज्यादा हिलो मत प्यारे मॉन्स्टर। युगो, मुझे लगता है ये हमारी मदद करने आए हैं। बड़े आए थे सैनिक बनने, अब उठो, आओ आओ। हाँ,
युगो, मैंने इसे भी बांध दिया। मेरे प्यारे मॉन्स्टर, जोर लगा के हाइशा, तुम कर सकते हो। बहुत अच्छे, तुम कर सकते हो। मेरे प्यारे मॉन्स्टर, और जोर लगाओ। चलो चलो। तुम लोग एक मछली के जाल से भालू को पकड़ना चाहते हो? ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहे हो भाइयों? मुझे चक्कर आ रहा है। ध्यान से। मेरे प्यारे मॉन्स्टर, युगो, तुम्हारा आइडिया तो काम आया, ये तो बाहर आ गया। मदद के लिए शुक्रिया लाला, लेकिन भालू चाचा हमारे इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। हाँ मिली, मेरे कंधे पर चल जाओ। बाय मेरे प्यारे मॉन्स्टर। बाय बाय, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। युगो, हाँ? क्या हम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं? हे मेरे प्यारे मॉन्स्टर, हमारे साथ चलोगे? हे आराम से चलो। लोग बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि पानी भी बूढ़ा होता है। वो बहुत बूढ़ा हो गया होगा। भालू चाचा, भालू चाचा, आप कहाँ हैं? हम वापस आ गए। भालू चाचा, कमाल है, भालू चाचा कहाँ चले गए? वो अभी तक यहाँ आए ही नहीं। हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लाला तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है वो ठीक होंगे। मैं समझ गई, उन चूहों को मजा चखाने के बाद वो गए हैं मदद के लिए। मदद? मास्टर फॉक्स की मदद। मास्टर फॉक्स, मतलब हम बच जाएंगे? ये मेरी आवाज को क्या हो गया? मैं सपना तो नहीं देख रहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्ही लोगों को ढूंढ रहा था। मैं सपना ही देख रहा हूँ। युगो, क्या भालू चाचा सच में मास्टर फॉक्स से मिलने गए हैं? चाचा को उनकी जादुई शक्तियों के बारे में पता है, वो हम सबको बचा सकते हैं। लाला ये लो, पी लो। इससे ज्यादा स्वादिष्ट पानी मैंने आज तक नहीं पिया। प्यासी हो इसलिए? ये तो बस उस नदी का ही पानी है। नदी का पानी? तो फिर हम छोटे क्यों नहीं हुए? नदी का पानी तो अभी अभी खराब हुआ है, ये पानी तो मैंने बहुत पहले जमा कर लिया था। ओह अच्छा, अब समझी। मैं चाहूंगी जब तक काम खत्म ना हो पानी बचा रहे। मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ? जब हम छोटे हुए तो हमारी शक्ति और आवाज दोनों चली गई। थोड़ा आराम कर लेंगे तो हमें ताकत मिलेगी।
आराम कर लें, लेकिन हमें पेड़ तक जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो मुसीबत में आ जाएंगे अगर चूहों का सामना हुआ तो। उम्मीद है कि वो उनसे लड़ लेंगे, आखिर वो लोग छोटे बच्चे हैं। लेकिन तुम तो अभी उनसे भी छोटे हो। वो तो है, चिंता नहीं चिंता नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी आवाज पहले जैसी हो गई। क्या मिली उन्हें शुरुआत तक लेकर जा रहा है? अगर मुझे पता होता मैं ऐसे झमेले में फंस जाऊंगी तो फिर मैं अपना घर कभी छोड़ती ही नहीं। क्या हुआ मॉन्स्टर? मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? वो खतरनाक है। अच्छे बच्चे, दूर रहो मुझसे। ह्यूगो, लाला, भालू चाचा, चाचा आप कहाँ हैं? भालू चाचा आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। चाचा, ये कैसे हुआ? ये बहुत लंबी कहानी है। मास्टर फॉक्स और मैं। मास्टर फॉक्स कहाँ है? मैं यहाँ हूँ ह्यूगो। मास्टर, अब हम तो गए। ह्यूगो, इन्हें अपने साथ बादलों की शहजादी के पास ले जाओ और चली जाओ यहाँ से। चली जाऊँ क्यों? हाँ, अपनी दुनिया में जाओ और लाला को भी ले जाओ, जाओ। लेकिन हमने तो वादा किया था इसका हल साथ निकालेंगे। धरती के अंदर की नदियाँ सूख गई हैं, सब मुरझा गए हैं। तुम अभी नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, आप लोग ऐसे हार क्यों मान रहे हैं? हमारे पास आशा की एक किरण है, हार मत मानिए। सही कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बेवकूफ बच्ची, लाल जंगल पहुंचने में महीनों लग जाएंगे और अगर हमें नदी की शुरुआत मिल भी गई तो भी कुछ नहीं हो सकता, तब तक हम सब लोग मारे जा चुके होंगे। सारे जानवर छोटे हो गए हैं। ह्यूगो, लाला, तुम लोग जाओ, हमारी आखिरी उम्मीद की किरण भी टूट चुकी है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अब भी उम्मीद है। लाला, मेरी उम्मीद भी अभी बाकी है, मैं ऐसे भागने नहीं वाली। मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन मैं यूं डर के नहीं भागने वाली हूँ। सुनो दोस्तों, चलो सब लोग तैयार हो जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। और तेज, और तेज। लेकिन यहाँ के तो सारे पेड़ सूख गए हैं। लेकिन अब ये सूखे पेड़ों का जंगल है।
मैं यहाँ का पानी सूंघ नहीं पा रहा हूँ। हमने बहुत देर कर दी। शायद इतनी भी देर नहीं हुई। लाल ताज जंगल, ये अब तक जिंदा मेरे प्यारे मॉन्स्टर, जल्दी करो। तो कहाँ जा रही है ये सवारी? तुम लोग तो बड़े ही ढीठ हो। तुम्हें लगता है नदी की शुरुआत ढूंढ लोगे तो जीत जाओगे? बेवकूफ मत बनो, तुम्हारी जीत नामुमकिन है। उसे जोर का झटका धीरे से देंगे। बहुत बढ़िया प्यारे मॉन्स्टर, पकड़ा ने। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। नदी की शुरुआत मिल गई। भागो! मेरे प्यारे मॉन्स्टर, मेरे पीछे आओ। शुरुआत तो तुम्हें मिल गई, पर इसे बचा नहीं पाओगे और न ही खुद को बचा पाओगे, क्योंकि दुनिया बहुत ही बुरी है। क्योंकि तुम स्वार्थी हो। वो इसलिए क्योंकि तुम जैसे बड़े जानवर हम जैसे छोटे जानवरों के बारे में कभी नहीं सोचते। तुम लोगों को तो पता भी नहीं हमारा अस्तित्व भी है। बहुत बड़ा समझते हो खुद को। लेकिन आज मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। हमारे पैरों के नीचे तुम्हें रौंद दूंगा। तुम एक पागल चूहे हो, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लगता है छोटे बालू ने मुझे गलत समझ लिया। मैं तो बस उन्हें छोटा बनाना चाहता हूँ। मेरी तलवार बस गिरने ही वाली है और फिर डन। नहीं, जाने दो मुझे। पापा, पापा प्लीज इन्हें जाने दीजिए। चुप हो जाओ, वो हमारे दोस्त नहीं दुश्मन है। अपने बाप को धोखा देना चाहते हो? पापा, मैं तो बस चाहता हूँ कि आप गलत रास्ते पर ना चले। मासूमों की जान बचाना चाहता हूँ, प्लीज। ये मासूम है तो हमारी जान कौन बचाएगा, बताओ? हम लोग शांति से भी तो रह सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा परिवार। धरती के नीचे और ऊपर रहने वाले कभी दोस्त नहीं हो सकते। हमारी छोटी सोच है, ये भी तो इंसान है, लेकिन आज हमारे साथ है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पापा, आपने जमीन के नीचे रहने वाली जाति को एक प्यार और सम्मान से भरा घर दिया, लेकिन अब आप खुद उन्हें नफरत की ओर ढकेल रहे हैं। मैं बस चाहता हूँ तुम्हें नुकसान न पहुँचे मेरे बेटे। जमीन के नीचे की दुनिया सुरक्षित है, जबकि वहाँ ना धूप है ना फूल। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरा घर है। चुप करो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आलू सिंह, तुम बुरे पिता हो, तुम्हें मिली के पिता होने का हक नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, तुम उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। अगर प्यार करते तो तुम उसकी बात सुनते और ऐसे बुरे काम भी नहीं करते। सही कहा।
पापा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। पापा, आ जाओ। अब हम सब एक समान हो गए। छोटा होना बहुत कठिन है लाला। ये तुम्हारी आवाज बहुत अजीब हो गई है और तुम्हारी भी। हमारे सारे आदमियों को ले चलो और शहरवासियों को छोड़ दो। ये अभी भी बहुत दूर है, मैं बाहर नहीं चल सकता हूँ। लेकिन हम उड़ के तो जा सकते हैं। मेरे प्यारे मास्टर, चलो चलो। हम उड़ रहे हैं। हाँ, हम उड़ रहे हैं। क्या बात है, हम लोग उड़ रहे हैं। तुमने लेकिन तो हाँ कर कैसे करेंगे? चिंता मत करो, मेरी लैंडिंग फ्लाइट से भी अच्छी होगी। ये तो नदी की शुरुआत है। आखिर में हमें मिल ही गया। लोगों का तो कहना था यहाँ अब भी उम्मीद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये देखो, ये कैसे हो सकता है? ये गायब कैसे हो रहा है? Thank you.
वो देखो। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। भालू चाचा और ये लाल भी हो गया। मुरझाए पेड़ों के जंगल से तो ये काफी अच्छा है। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस बेटा। मतलब आलू सिंह दिल के अच्छे हैं। मेरा नाम आलू सिंह है। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन बड़े जानवरों का क्या? प्यारी मास्टर, सारे बड़े जानवर कहाँ चले गए? वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। वो कहीं नहीं गए, वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते। और शायद वो बड़े जानवर ही हमारी नदी का स्रोत भी हैं। ये तो तुम लोगों की मेहनत और अच्छाई है जिससे उन्हें आशा की नई किरण मिली। इसका मतलब वो, वो क्या है? मेरे प्यारे मॉन्स्टर, ये वापस आ गए। वापस आ गए? ये क्या हो रहा है? ओ, ध्यान से, ध्यान से। Bye. Goodbye. You go. समारोह शुरू हो गया क्या? मॉर्निंग भालू चाचा। भालू चाचा, आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मैं बस ये साफ आसमान देख रहा हूँ। ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। और बहुत से लोग आ रहे हैं। हमारे नए टीम का स्वागत है। महामहिम महल तक जाने के लिए तैयार हैं। मास्टर फॉक्स, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चीफ होने के नाते आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मैं चीफ बनने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ और ना ही मैं लड़ सकता हूँ, और मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। मैं एक साधारण नागरिक हूँ, लेकिन मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। अपनी हिम्मत और अच्छे से मैं इस शहर की रक्षा हमेशा करूँगा। नया चीफ होने के नाते मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैं महल में जाकर नहीं रहना चाहता। अब से यही मेरा घर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? महाराज, ये मत भूलिए कि आपने मुझे जबान दी है। लाला सही कह रहा है, आपने उसे जबान दी है। ताजपोशी का समारोह शुरू किया जा। लगता है हम बिल्कुल समय पर आ गए। नए चीफ के घर की मरम्मत करनी है। तो इंतजार किस बात का? शुक्रिया मिली, शुक्रिया मिस्टर आलू सिंह। बदलाव कितना खूबसूरत होता है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। 我相信幸福就在你左右，一个微笑，一个问候就能让你感动。把你的手交给我，现在就让我们一起感受快乐的节奏。别躲在角落，你并不寂寞，别忘了你有最美的笑容。抬头挺着胸，再用心感受，幸福就那么简单，它不是传说。
वादा करो तुम फिर जरूर आओगी। हाँ बिल्कुल, ये मेरे घर जैसा है, लेकिन अगर अभी मैं वापस नहीं गई तो शेर रो रो के बेहाल हो जाएगा। शेर कौन है? वो युगो के पापा है। ओ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। युगो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। सच में? क्या मैं उस दिन में वापस जा सकती हूँ जब यहाँ आई थी? बदमाश बच्ची, तुम हम सबको भूल जाना चाहती हो क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पापा को चिंता हो रही होगी ना कि मैं इतने दिन कहाँ थी। हाँ, तुम्हें संभालना इतना भी मुश्किल नहीं है। बादलों की शहजादी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगी।在角落，你并不寂寞，别忘了你有最美的笑容，抬头挺着胸再用心感受，幸福就那么简单，它不知怎说。我相信幸福就在你左右，一个微笑一个问候就能让你感动，把你的手交给我，现在就让我们一起感受快乐的节奏。停止，别再瞒着你的生活，加油，你我们之间家人朋友还有爱，不需要借口，幸福谁都可以拥有，行动今天就要开始行动，不要只要顾着眉头沉默难过，让我看见你的笑容，身边每个人都会因为你而感动，朋友幸福就在你的左右，你要开始积极面对你的生活，从今以后你会发现你的生命真的真的与众不同。别躲在角落，你并不寂寞，别忘了你有最美的笑容，抬头挺着胸再用心感受，幸福就那么简单，它不是传说。我相信幸福就在你左右，一个眼神一个拥抱就能让你感动，把你的心交给我，现在就让我们一起探索幸福的理由，幸福的理由，幸福的理由，幸福的理由。जागने का वक्त हो गया। युगो, मैं अभी तक सो रहा हूँ, तुमने डिनर किया कि नहीं? तुम्हें भूख लगी है या अंडा खाओगी क्या? हाँ बस बता दो, अभी तैयार हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा।